तो आज हम करेंगे अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है एलिना? द फिश एंड द विश। फिश एंड द विश। फिश यानी मछली, विश यानी कोई इच्छा जो हम करते हैं या मांगते हैं। ठीक है, तो ड्रैग द लाइन टू द मैच द एनिमल विद द प्लेस वेयर दे लिव। यहाँ नीचे कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं एंड कुछ ड्राइंग बने हुए हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन कहाँ पे रहता है। तो लीना, पेंसिल का ऑप्शन आपका ऑन करो एंड और यहाँ पर मैच, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ओके मैम। ओके, डक यानी जो बत्तख होता है वो पानी में रहता है, ये आपका बिल्कुल सही है। फिश भी होती है वो पानी में रहती है, ये भी सही है। मंकी जो होता है वो पेड़ पे रहता है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही। बट लायन, लायन पेड़ पे कहाँ होता है? लायन तो गुफा में होता है। स्क्वायरल, स्क्वायरल यानी गिलहरी जो नट्स वगैरह खाती है, जो चूहे जैसी होती है, आपने देखी है ना गिलहरी को? देखी तो बेटा वो पेड़ पे रहती है ना कि गुफा में रहती है। एंड फॉक्स यानी लोमड़ी, लोमड़ी भी गुफा में रहती है। तो इसमें से आपका ये 3 राइट था, बट आपके ये 3 रॉन्ग थे। कोई नहीं, आपको नाम पढ़ना नहीं आया था लीना, या फिर समझ में नहीं आया? लायन, मुझे लगा कि जंगल में होता है, तो मुझे पेड़ वाला ना जंगल में रहा। स्क्विरल मुझे पता नहीं था कि उसको बोलते हैं, और गिलहरी। फॉक्स का मैं जानती नहीं थी। ओके, डोंट वरी। तो अब पता चल गया आपको, क्या मैम? पता चल गया ना आपको? यस मैम। ओके, तो अब हमारा रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। ये स्टोरी बेसिकली एक फिशरमैन की है एंड हम देखेंगे कि एक ग्रीड, ग्रीड लालच का, जो हम लालच करते हैं उससे हमें कितना ज्यादा लॉस होता है और कितना कुछ खराब होता है। तो सबसे पहले आप ये रीड करो। One day a fisherman catched a big fish. He was happy. He should kill the big fish for a lot of. वेरी गुड। सो एक दिन एक फिशरमैन था, उसने क्या पकड़ा? एक बड़ी मछली को। ही वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश था। एंड ही कैच, मतलब उसने सोचा कि मैं इसको बेच दूंगा, बड़ी मछली को, एंड फॉर लॉट्स ऑफ मनी, और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो फिशरमैन कौन होता है आपको पता है ना रीना? जो मछली पकड़ता है और उसको फिर दूसरों को बेचता है। यस मैम। ओके, यहां से लेके यहां तक वेट करो। वेट, सेड द फिश, आई एम अ प्रिंस। आई हैव बीन चेज्ड टू अ फिश बाय मैजिक। प्लीज डोंट गेट मी, आई विल ग्रैंट यू अ फिश विश। ओके, सो मछली कह रही है, मछली क्या कह रही है? वेट से, मतलब किसने कहा? मछली ने। आई एम ए प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब अनीना, रानी। या प्रिंसेस यानी रानी। सो आई हैव बीन चेंज इनटू ए फिश बाय मैजिक। तो मछली कह रही है कि मैं मतलब प्रिंस हूँ, प्रिंसेस हूँ, तो मैं मतलब चेंज कर सकती हूँ मैजिक से क्या तुम्हारी लाइफ। एंड प्लीज डोंट किल मी, मुझे मत मारो। आई विल, उसके बाद क्या है?
ग्रांट, आई विल ग्रांट यू ए विश, मतलब वो कह रही है मतलब मैं तुम्हारी विश को पूरी कर दूंगी। सो आगे देखते हैं, सो यहां से लेके यहां तक रीड करो। I will ask my wife what she wants, said the fisherman. Come back by the evening, I will wait, said the fish. In back in the evening, the fisherman come back to the liver. Okay, so I will ask my wife what she wants. मतलब मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा कि उसे क्या चाहिए। Said the fisherman. फिशरमैन ने कहा, Come back by evening, I will wait. Said the fish. फिश ने कहा, मैं आना वापस इवनिंग में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इन द इवनिंग मतलब शाम को, द फिशरमैन केम बैक टू द रिवर। जो फिशरमैन था वो दोबारा नदी पे आया। क्यों आया, किस लिए आया, उसकी वाइफ ने क्या इच्छा की, चलो हम आगे पढ़ते हैं। एक मिनट, वेट ए मिनट। ओके, तो इसमें एक चीज नहीं है जो कि मैं शेयर करना भूल गई। अलीना एक मिनट वेट करना, मैं इमेज शेयर करती हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने किया था अपना कि वो मतलब उसने कहा, इन द इवनिंग द फिशरमैन केम बैक टू रिवर, शाम को मैं फिर आऊंगा, मतलब वो शाम को आया। सो व्हाट इज योर वाइफ विश, आस्क फिश, मतलब फिश ने पूछा तुम्हारी वाइफ की क्या इच्छा है। तो शी, यहां से लेके यहां से रीड करो आप। ओके मैम, व्हाट इज योर वाइफ विश? अस द फिश, शी वांट्स टू लाइव इन अ कॉटेज, सेड द फिशरमैन. इट विल बी प्रॉमिस प्रॉमिस्ड द फिश. ओके, तो शी वेंट टू लिव इन ए झोपड़ी, मतलब सॉरी कॉटेज, कॉटेज यानी झोपड़ी। इसको याद रखना, कॉटेज को हम झोपड़ी कहते हैं। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है लीना? यस ओके, तो शी वेंट टू लिव मतलब मेरी जो वाइफ है वो कॉटेज में रहती है, झोपड़ी में। सेड फिशरमैन, फिशरमैन ने कहा, इट विल बी डन मतलब ये पूरा है। प्रॉमिस द फिश, फिश ने मतलब उसने प्रॉमिस किया फिश से, ठीक है, क्या प्रॉमिस किया। द फिशरमैन वेंट टू मतलब उसने अपनी प्रॉब्लम बताई फिशरमैन ने, कि मैं और मेरी वाइफ एक झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। तो फिशरमैन ने फिशर सॉरी फिश ने बोला ओके डन। इतना फिश ने बोला, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम रीड करेंगे। यहां से यहां तक रीड करो लीना। When the fisherman whom he saw, he saw he see his heart had gone in his place to a lovely cottage. He was happy, but his wife was not just a cottage. You him his life, he should give you another wish. ओके, दैट्स ग्रेट। सो व्हेन द फिशरमैन वेंट मतलब जब फिशरमैन घर आया, एंड ही सो हिज हंट मतलब अपना जब उसने झोपड़ी देखा, तो हैड गॉन मतलब वो झोपड़ी जो थी वो थी। इन दिस प्लेस, उस जगह पे एक लवली कॉटेज था, एक प्यारी सी झोपड़ी सी थी। ही वॉज वेरी बहुत खुश था, बट हिज वाइफ पर उसकी वाइफ वॉज नॉट, उसकी वाइफ खुश नहीं थी। जस्ट ए कॉटेज, सिर्फ झोपड़ी से वो थी। यू गिव हिम मतलब वो कह रही है, कौन कह रही है, इसकी वाइफ कह रही है, यू गिव हिम हिज लाइफ, तुमने उसकी जिंदगी बचाई, एंड ही शुड गिव यू अनदर विश, तुम उसे दूसरी विश मांगो, उसकी वाइफ कह रही है। गो आस्क टू गिव अस ए प्लेस,
उसकी वाइफ बोल रही है जाओ और उसको बोलो हमें दूसरा प्लेस चाहिए, दूसरी चीज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो प्लेस लिखा है पर इसका मतलब था दूसरी इच्छा चाहिए हमें। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड करो। द फिशरमैन वेंट बैक टू द रिवर। ही कॉल्ड आउट टू द फिश, ओ प्रिंस कॉल्ड, यू ग्रांट मी अनदर विश, डोंट यू लाइक योर कोटेज फिशरमैन? एस द फिश, आई डू, बट माय वाइफ वांट टू लिव इन अ प्लेस नाउ, इट विल बी डन, से द फिश। गुड। तो जो फिशरमैन था उस मतलब वो दोबारा नदी पे गया, उसने बोला ही कॉल्ड आउट टू द फिश, उसने बोला ओ फिश ओ प्रिंसेस ओ प्रिंस, तो वुड ही मतलब क्या हुआ कि वो आ गई एंड ही अनदर विश, अपने विश मतलब उसने आई और जो फिशरमैन था वो अपनी दूसरी विश के साथ गया था। सो डोंट यू लाइक योर कॉटेज, फिश पूछ रही है डोंट लाइक योर कॉटेज फिशरमैन। फिशरमैन ने कहा सेट द फिश, फिश कि आई डू मतलब मुझे पसंद है वो कॉटेज, बट माई वाइफ जो मेरी वाइफ है वेंट टू लिव इन दिस प्लेस नाउ, मतलब वो इस जगह पे नहीं रहना चाहती, उसको दूसरी जगह चाहिए, उसकी दूसरी प्लेस चाहिए। इट मीन्स उसको झोपड़ी से कॉटेज से कुछ बड़ा चाहिए, अच्छा कॉटेज नहीं चाहिए, छोटी झोपड़ी नहीं चाहिए, बड़ी झोपड़ी नहीं चाहिए, उसे कुछ दूसरा चाहिए। सो फिश कह रही है इट विल बी डन मतलब पूरा हो गया, सेट द फिश, फिश ने कहा कि पूरा हो गया तुम्हारी इच्छा। तो अब देखते हैं आगे, तो अलीना आप रीड करो दार से लेके वाइफ तक। द फिशरमैन वेंट होम, देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल मार्बल प्लेस, हिज वाइफ वाज द क्वीन। कम हियर कॉल्ड हिज वाइफ। ओके गुड। तो द फिशरमैन वेंट मतलब होम अपने घर गया वो, तो उसने देखा एक ब्यूटीफुल मार्बल, मतलब मार्बल, मार्बल आपको पता है क्या होता है? नो मैम, अच्छा कंचे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या मैम? कंचा आपने कभी देखा है जो कांच के बने होते हैं? कंचा? यस मैम। हाँ उसको इंग्लिश में हम मार्बल कहते हैं। तो मतलब कांच का एक अच्छा सा ब्यूटीफुल मतलब प्लेस था, वो जगह थी कांच की ब्यूटीफुल, एंड हिज वाइफ वाज ए क्वीन, उसकी जो वाइफ थी वो एक क्वीन थी, रानी थी। केम हियर कॉल्ड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने बोला इधर आओ, इधर आने के बाद देखो क्या होता है, एंड देन यहां से लेके यहां तक क्लिक करो लीना। Go and ask for wish. I want to have power over the sun and the moon. Ask for that. Go on, the fisherman went yet again to the river bank. गुड। ओके गो एंड आस्क फॉर ए विश, जाओ और एक विश मांगो। आई वॉन्ट टू हैव पावर ओवर द सन एंड मून, मुझे पावर चाहिए सूरज की और चांद की, मैं मतलब मैं सारा पावर मेरे हाथ में होना चाहिए। आस्क फॉर दैट, जाओ उससे ये कहो, गो ऑन जाओ। द फिशर मैन वेंट मतलब वो गया दोबारा से द रिवर बैक, दोबारा रिवर पे गया, देखते हैं अब क्या हुआ। यस तो मैम। यहाँ तो अलीना अब आप यहां से यहाँ रीड कर। कॉल्ड यू ग्रांट मी कुड वन कुड लास्ट ये विश कुड है, अस द ग्रांड कुल्ड यू ग्रांट मी वन लास्ट विश अस द फिशरमैन नाउ फिशरमैन अस द फिश। ओके गुड। तो मतलब कि कुड यू ग्रांट मी वन लास्ट विश, क्या आप मेरी एक आखिरी विश पूरी कर सकते हैं? फिश मैंने कहा, तो फिश ने कहा व्हाट
नाउ मतलब अब क्या? एंड सेड द फिश, फिशरमैन ने कहा फिश को, क्या कहा? यहां से लेके अब यहां तक आप रीड करो। He told the fish what his wife wanted. So she wanted to rule over the world. So she must live in her hut again. The fish saw away the hen. His wife cried for a week. I wish I had not been so greedy. She kept on. ओके, तो ही टोल्ड द फिश, मतलब उसने फिश को बोला व्हाट हिज वाइफ वांट, मतलब फिश ने बोला कि क्या चाहिए तुम्हारी वाइफ, तो उसने बोला सो शी वांट, मतलब उसको चाहिए टू रूल, उसको रूल करना है और पूरे दुनिया पे। डज शी मतलब उसको, फॉर दैट द मस्ट लिव इन हर हंट अगेन, मतलब उसको दोबारा से उसके हंट में रहना चाहिए, जाना चाहिए। मस्ट लिव इन हर हंट अगेन, उसको दोबारा झोपड़ी में रहना चाहिए। तो द फिशर मतलब जो फिश थी उसने कहा जाओ फिशरमैन, घर वापस जाओ अपनी झोपड़ी में। एंड हिज वाइफ क्राइड, मतलब उसकी वाइफ रो रही फॉर होल वीक, पूरे हफ्ते वो रोती रही। एंड आई विश, मतलब मेरा विश है, आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी, मतलब वो बोल रही है कि मुझे ये विश नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत ज्यादा लालची हो गई थी, अब मुझे लालची नहीं होना है। शी कीप ऑन थिंकिंग, वो इस चीज के बारे में सोच रही थी जो उसने ग्रीडनेस की, ग्रीडनेस यानी जो उसने लालचपन किया। पहले उसको एक छोटे से झोपड़ी से एक सुंदर सी झोपड़ी मिली, एक सुंदर सी झोपड़ी मिली, प्यारा सा कॉटेज मिला, उसको बाद उसको एक कांच का बना हुआ महल मिला, उसके बाद वो वहां की क्वीन बन गई। लेकिन उसको पूरे वर्ल्ड पे राज करना था और मछली को ये पसंद नहीं था कि क्योंकि ये पावर जो होती है धरती को संभालने की, सूरज को कंट्रोल करने की, कोई नहीं कर सकता सिवाय गॉड के। तो इसने फिर इसको उसके वापस वाले मतलब जिस सिचुएशन में वो थी उसी सिचुएशन में भेज दिया, वापस इसके कॉटेज में, इसकी झोपड़ी में। तो देखते हैं यहाँ, तो ये स्टोरी आपको पूरी समझ में आ गई लीना? ओके मैम, गुड। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग, मतलब कि वर्ड मीन मैजिक यानी इनचेंजमेंट यानी जादू कुछ जादू, कुछ भी चेंज कर देना, वेरी गुड। ग्रैंड यानी गिव व्हाट ही आस्क फॉर, मतलब कुछ भी देना जो कोई मांगता है। कॉटेज यानी ए स्मॉल बंगलो, मतलब एक छोटा सा बंगला। हंट यानी झोपड़ी, कॉटेज यानी छोटा सा बंगला। प्लेस यानी कोई भी एक जगह, कोई भी एक जगह। रूल यानी कीप अंडर द कंट्रोल, मतलब कि जो रूल करता है उसके अंदर अंडर सब कुछ होता है, मतलब वही करता है सब कुछ। अगर उसने कह दिया आज की लोग खाना खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। रूल्स जैसे हमारे अच्छे रूल है कि हमें एवरीडे स्टडी करनी है, किसी के बेकार रूल्स होते हैं। ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालच। क्लियर अलीना? ओके तो बेटा जस्ट ओके टेक द करेक्ट क्वेश्चन एंड रीड द क्वेश्चन एंड टेक द आंसर। ओके मैम, वन डे फिशरमैन कॉट अ बिग फिश। द बिग फिश वाज अ प्रिंस। एक मिनट, अ फिशर फर्स्ट अ फिशरमैन वाइफ फर्स्ट विश वाज अ कॉटेज। ओके गुड। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर में जो फिश था वो एक मेल था, मेल यानी वो प्रिंस था, नॉट ए प्रिंसेस। तो ये आपके बिल्कुल सही है, गुड ठीक है। द फिशर मैन वाइफ फर्स्ट विश वाज ए एक कॉटेज, छोटा सा बंगले। ओके गुड। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो द अलीना इसके बीच का कोई ये रहना। अच्छा अलीना ये ट्रू फॉल्स आप मुझे बताओ। द फिशर मैन वाज ग्रेडी,
ट्रू और फॉल्स? द फिशरमैन वॉज रीडिंग ट्रू. नो बेटा, फॉल फॉल्स, बिकॉज इसकी वाइफ ग्रीडी थी, इसको तो जो मिल रहा था ये उससे खुश था. ओके okay? ओके तो द वाइफ ट्रू बेबी, वाज ट्रू. ग्रीडी फॉल्स उसकी वाइफ ग्रीडी थी, हाँ उसकी वाइफ लालची थी, ये ट्रू. फिशरमैन लालची नहीं था, उसकी वाइफ लालची. ओके नॉट ग्रैंड. ओके मैम, द फिश डिड नॉट ग्रैंड एनी विशेस. फॉल्स. The fisherman's wife wanted to rule the world through. The wife was not happy in the end. True. पॉल, वो खुश नहीं थी लास्ट में, वो तो सोच में पड़ गई थी कि मैंने क्या किया लालची. हाँ वैसे एंड ही हैप्पी नहीं थी, वो सैड ही थी. ओके तो दिस इज योर क्वेश्चन आंसर. व्हाई वाज द फिशर मैन हैप्पी टू कैच ए फिश, ए बिग फिश? ही विल मतलब कि उसने जो बड़ी मछली पकड़ी थी वो, उसको क्यों हैप्पी था वो? तो इसका आंसर मैं यहीं पे आपको लिख देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, और ये आपको करके भेजना है. तो आंसर वन है हमारा कि मतलब वन डे फिशर कैच ए बिग फिश, ही वाज सो हैप्पी ही कुड सेल द बिग फिश फॉर ए लॉट्स ऑफ मनी. अब यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ बिकॉज ये बड़ा है, तो ही कुड सेल द बिग फिश फॉर ए लॉट ऑफ मनी. मनी तो ये आपका आंसर वन है लीना, ठीक है? यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 1 पॉइंट, आंसर वन. अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, आंसर टू देखते हैं. तो आंसर टू है हमारा, व्हाट डिड द फिश वेंट टू, मतलब उसको क्या चाहिए था कॉटेज की जगह, तो उसको क्या चाहिए था, चलो देखते हैं. तो व्हाट हाँ, द फिशरमैन वेंट होम द सेड ब्यूटिफुल मार्बल प्लेस. आप ब्यूटिफुल मार्बल प्लेस देख सकते हो. मार्बल प्लेस, तो ये हमारा व्हाट पावर डिड द फिशरमैन वाइफ वेंट, मतलब उसकी वाइफ को क्या पावर चाहिए थी. तो आंसर है इसका, तो शी वॉन्ट टू रूल ओवर द वर्ल्ड. तो आप लिख सकते हो शी वॉन्ट टू रूल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड, अब हम आंसर फोर पे चलते हैं. आंसर फोर है, व्हाई वॉज शी अनहैप्पी इन द, वो लास्ट में अनहैप्पी क्यों थी? तो अलीना ये और ये लास्ट वाला, व्हाट डज द स्टोरी टीच अस, हमारे ये टीच करती है, एक्सप्लेन इन योर वन वर्ड, अपने लैंग्वेज में समझाओ, अपने वर्ड्स में समझाओ. पहला तो एंड मैं लास्ट वाला आंसर बता ही देती हूँ, बिकॉज हिज वाइफ क्राइड फॉर अ होल वीक, आई विश हैज ए बीन सो ग्रीडी, शी थिंकिंग ऑन दैट. मतलब ये लिख सकते हो कि बिकॉज शी इज वेरी ग्रीडी, शी कीप ऑन थिंकिंग. आप ये आंसर लिख सकते हो फोर में,
का है कि स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है अपनी लैंग्वेज में बताओ। तो आपको ये बताना है, और अलीना ये सारे क्वेश्चन और ये जो मैंने यहाँ पे तीन आंसर दिए और फोर्थ वाले को मैंने बता दिया है, ये आपको नोटबुक में लिख कर मुझे सेंड करना है। ओके फोर्थ वाला है कि वाई शी वॉज अनहैप्पी इन द एंड, बिकॉज द प्रिंस, मतलब जो प्रिंस थी उसने उसको दोबारा से उसके हंट में भेज दिया था। ओके ओके आप ये लिख सकते हो, द फिशरमैन वेंट बैक, ना यहाँ पे लिखो हंट, मतलब वो दोबारा से उसकी वाइफ हंट में चली गई थी, मतलब अपने पुराने वाले सिचुएशन में, या फिर आप लिख सकते हो कि वो ज्यादा जो ग्रेटनेस थी उसको, उसको पछतावा हो रहा था। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो। और फिफ्थ वाला आपको अपने आप लिख के देना है कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, और ये क्वेश्चन आंसर मुझे लिखकर आप सेंड कर देना, ठीक है? ओके, ये होमवर्क याद रखना, और चैप्टर वन की मुझे रीडिंग भेजना भूलना मत, अभी भेजो। और ये काम ना आप मुझे जल्दी से करके ना क्लियर कर देना, तब हम कल की क्लास टाइम पे ले सकेंगे। ओके बाय अलैना। ओके मैम।